मतलब ध्यान नहीं करना होना यार। तुम्हारा हाजिर नहीं लगना आज। तो आवाज तो सुनाई दे रही होगी आपको, तो एक नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं। चलिए फिर आज आपको सत्संग सुनाते हैं भाई। सत्संग में मिलती है, इसलिए कहा सर्वोत्तम जो लाभ है वो जीव को सत्संग में मिलता है। पर सत्संग में जब हम आते हैं, मन लगा करके अगर सत्संग सुनेंगे और सुन करके विचार करेंगे, मनन करेंगे, ज्ञान को जानने की उत्कंठा जागृत करेंगे, तभी सत्संग सुनने का लाभ है। और एक राजा और मंत्री किसी नुमाइश में गए। आप ध्यान से सुनना और मैं पूछूंगी कि क्या सुनाया। तो वहां पर बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां थी, अलग अलग प्रकार की। कहीं गणेश भगवान की मूर्ति थी, कहीं शंकर भगवान की मूर्ति थी, कहीं शनि देव की मूर्ति थी, और ऐसे ही कई साधु की भी मूर्ति बनी हुई थी। तो एक जैसी थी दो मूर्ति, साधु की दो मूर्ति एक जैसी थी। अब जो है राजा कहता है मंत्री से कि ये मूर्ति लेनी है तो इनका क्रय करो, इनका मोल भाव पूछो कि कैसी है ये मूर्ति, कितने की मिलेगी। जो शिल्पकार था, मूर्तिकार था, तो उसे पूछा मूर्ति का क्या दाम है। वो कहता है एक मूर्ति है 5 रुपए की और एक मूर्ति है 500 रुपए की। दोनों मूर्तियां तो एक जैसी थी। अब राजा ने सोचा एक जैसी मूर्ति है लेकिन इनमें दाम अलग अलग क्यों है। एक जैसी मूर्तियां तो एक जैसा ही दाम होना चाहिए, अलग अलग क्यों है। तो मंत्री बड़ा चालाक था, उसने कहा मैं अभी अभी पता करता हूं कि मूर्ति में अलग अलग भाव क्यों है। वो एक धागा लेकर के आया, एक मूर्ति के कान में धागा डाला और वो दूसरे कान से बाहर निकल गया। तो कहा भाई इसकी, इस मूर्ति का जो दाम है कितना है, 5 रुपए का। अब दूसरी मूर्ति के कान में जब धागा डाला वो उसके पेट में चला गया। बोले इसका कितना दाम है, कितना, 500 रुपया। तो राजा सोचने लगा कि दोनों मूर्तियां तो एक जैसी हैं, पर एक के तो पेट में धागा चला गया और एक एक कान से दूसरे कान से बाहर, इसीलिए इन मूर्ति में ये फर्क है। तो राजा को पूछा भाई आपको कौन सी मूर्ति पसंद आई। बोले मुझे तो 500 वाली मूर्ति पसंद आई। अगर मैं आपसे पूछूं आपको कौन सी मूर्ति पसंद आएगी, कितनों को आएगी 500 वाली, सबको सबको 500 वाली मूर्ति पसंद आई। तो भगवान ने भी हम सारी मूर्तियां एक जैसी बनाई है, वैसे शक्ल में तो अलग अलग है पर जो प्राण शक्ति है हम सब की वो एक जैसी है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। एक चींटी भी श्वास लेती है, एक हाथी भी श्वास लेता है, एक गोरा इंसान भी श्वास लेता है, काला इंसान भी श्वास लेता है, श्वासों में कोई भेदभाव नहीं है। और भगवान ने मनुष्य की जो मूर्ति बनाई, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, 5 तत्वों की मूर्ति बनाई है एक जैसी। इसमें 5 तत्व है, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। 5 तत्वों से इस मूर्ति का निर्माण किया परमात्मा ने। अब ये मूर्ति महंगी कैसे होगी, जब हम इसके महत्व को समझेंगे। तो कान में जब सत्संग रूपी धागा डालेंगे तो एक मूर्ति ऐसी होती है, सत्संग रूपी धागा कान में जाएगा और दूसरे कान से सत्संग सारा बाहर, है ना। और एक मूर्ति ऐसी होती है
कि वो सत्संग को सुनती है और मनन करती है, हृदयंगम करती है। जैसे आपने देखा होगा एक गाय होती है, जब उसको घास खिलाते हैं तो पहले तो घास खाएगी और बाद में जुगैल करती है, करती है तो किसका करती है वो जुगैल, किसका, घास का, ताकि अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाए, अच्छे से वो पचे। ऐसे ही का एक मनुष्य ऐसा होता है, केवल थोड़ी देर बात सुनी, एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। क्या रे, ये तो सत्संग ऐसे ही होता रहता है, हम तो रोज सुनते हैं। तो जो ऐसा बोलते हैं, ऐसा सुनते हैं, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता, वो पल्ला बिछा के बैठते हैं और पल्ला झाड़ के चले जाते हैं। लेकिन एक ऐसी मूर्ति होती है जो ध्यान से सुनेंगे, सत्संग को ध्यान से सुनेंगे, फिर मनन करेंगे, फिर समझेंगे, फिर उस ज्ञान के बारे में पूछेंगे। तो किसी ने कहा, बोले अगर पूछेंगे तो पूंछ कट जाएगी। देखा ऐसे पूंछ वाले घूम रहे हैं। बोले अगर मनुष्य के जीवन को प्राप्त करके ज्ञान को पूछा तो पूंछ कट जाएगी, अगर ज्ञान को नहीं पूछा तो पूंछ लग जाएगी। आप क्या चाहते हैं, पूंछ लग जाए कि पूंछ कट जाए? जल्दी बोलो सब, एक स्वर में बोलेंगे हम तभी मानेंगे कि एक जैसा भाव है। तो क्या चाहते हैं, पूंछ लगाना कि काटना? काटना। तो आपको समझ में आ गया सत्संग, तो इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं, तभी तो सत्संग में आए। क्योंकि जिनको सत्संग समझ में आता है, जो ईश्वर से प्रेम करता है, वही सत्संग में आता है। और जिनको सत्संग समझ में नहीं आता तो वो सत्संग में बैठ ही नहीं सकता। सत्संग में बैठने से हमें क्या मिलता है? एक बार देवर्षि नारद जी मृत्यु लोक से भ्रमण करते हुए पहुंचे वैकुंठ धाम में। देवर्षि नारद जी ने मृत्यु लोक में देखा, सारे भक्त भगवान विष्णु को बुला रहे हैं, आ नारे श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में, आप भी आना, लक्ष्मी को भी लाना, आना सब परिवार हमारे हरि कीर्तन में, आना रे श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में। जो कीर्तन में बैठते हैं तो ये सबसे पहले भगवान का आह्वान करते, भगवान को बुलाते कि जहां हम आए हैं हे प्रभु, आप भी हमारे कीर्तन में विराजिए, आप भी हमारे कीर्तन में पधारे। देवर्षि नारद जी ने सुना कि मृत्यु लोक के लोगों के अंदर, जीवों के अंदर कितना अच्छा भाव है कि ये भगवान को बुला रहे हैं। भ्रमण करते करते वैकुंठ धाम में पहुंचे और वैकुंठ धाम में विष्णु भगवान शेष शैया में लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी चरण सेवा कर रही हैं। देवर्षि नारद जी को बड़ा भ्रम हो गया, ये कैसे विष्णु भगवान है, इनको अपने भक्तों की कोई चिंता नहीं है। जैसे आप गाते हैं कि शेर पे सवार होके आजा शेरा, आजा शेरा वाली है, किस पे सवार होके? अभी तो दिन है, थोड़ी रात हो जाए और शेर निकल जाए कहीं, तो कोई गाएगा हाथ जोड़ के कि शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली? कोई नजर नहीं आएगा रोड में दूर दूर तक, है कि नहीं? तो भक्त बुला तो रहे हैं कि आना रे श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में। देवर्षि नारद जी ने जब देखा विष्णु भगवान तो शेष शैया में लेटे हुए हैं, मन में यह भाव आया कि कैसे भगवान है, इनको अपने भक्तों की कोई चिंता नहीं है। जैसे विष्णु भगवान ने आंखें खोली तो सामने देखा देवर्षि नारद जी आए, कहा नारद कैसे आना हुआ? बोले प्रभु मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया, लेकिन आपको देख के तो बड़ी शंका हो गई मेरे अंदर। कैसी शंका? बोले मृत्यु लोक में सारे भक्त लोग आपको पुकार रहे हैं और आप ऐसे भगवान जो शेष शैया में लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी तो सेवा कर रही हैं, आप निश्चिंत होकर के लेटे हुए हैं,
आपको कोई चिंता नहीं अपने भक्तों की। प्रभु अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए भी जाया करिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब विष्णु भगवान कहते हैं, नारद जो तुम इन आंखों से मुझे देख रहे हो कि मैं शेष शैया में लेटा हुआ हूँ, ये सरासर गलत है। क्या बताया उन्होंने, ये क्या है, गलत है। बोले कैसे, मैं तो इन खुली आंखों से आपको देख रहा हूं कि ये आप शेष शैया में लेटे हुए हैं। तब विष्णु भगवान कहते हैं, नाम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नाचा मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामी नारद। हे नारद, मैं बैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता और मैं भोगियों के पास भी नहीं रहता जिनको नोट गिनने से फुर्सत नहीं है। मैं मायावी लोगों के पास भी नहीं रहता। देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रभु तो आप कहाँ रहते हो, कृपा करके बताइए। तो विष्णु भगवान कहते हैं, मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरे निज नाम का गुणानुवाद करते हैं, अर्थात जहाँ सत्संग होता है, मैं वहीं पर अदृश्य रूप में रहता हूँ। सभी लोग आरती गाएंगे, आरती घुमाएंगे। तो क्या रात करनी है क्या, 5 बज गए, 2 से 4 का टाइम था, 1 घंटा एक्स्ट्रा है, 5 बज गए।
हाँ सबको जाना भी होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। चलो आरती घुमाओ। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय। जगत जननी श्री माता जी की सभी विद्यमान विभूतियों की। कोई अगर अपने घर में कीर्तन करना चाहते हैं तो आप लोग बुला सकते हो, कीर्तन करवा सकते हैं, क्योंकि ये मत सोचना कि इनके घर में आते हैं तो हम तो साधु सबके ही होते हैं ना, है कि नहीं। जिनके अंदर प्रेम हो तो आप लोग जरूर सुदामा महात्मा जी को आप बोलेंगे और यही आश्रम में भी आना जाना रहता ही है सबको, है कि नहीं। तो कभी भी अपने शुभ कार्य में अपने घर में कीर्तन कर सकते हैं, सत्संग रख सकते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सभी लोग लाइन से आरती लेंगे और सभी लोग प्रसाद लेंगे। खिला सुना तो ध्यान नहीं करना होना यार। तुम्हार हाजिर नहीं लगना आ जा।